मस्जिदुहराम मक्तुलमकरमा और मस्जिद नबी मदीनातलमन से ख़ुत का उर्दू तर्जुमा के लिए हमारे सोशल नेटवर्क को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ख़ुतब जुमा मस्जिद नबवी ब तारीख़ तीस जजा चौदह सौ तैंतालीस हिजरी बा मुताबिक उनतीस जुलाई दो हज़ार बाईस ख़तीब पजीराशेख़ डॉक्टर अब्दुल महसिन अकसिम हाफिजाल्ल तौज़ू उम्र के गुजरने में पिन्हा इबर तो नसीहत तर्जमा बवास हाफिज़ अब्दुल्ला हसान तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं हम उसकी हमद बजा लाते हैं उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्श तलब करते हैं हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताली के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं वह तनहा है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद वसलम उसके बंदे व रसूल हैं बहुत ज्यादा दरुद सलाम नाज़ल हों आप पर 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 आपकी आल पर और तमाम नाजलो सलाह के, के बंदो अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है और खलवत सरगोशी हर हाल में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो मुसलमानों अल्लाह ताला ने दुनियावी जिंदगी को बंदों की पिलाव आजमाइश का मस्कन बनाया है बंदे दायमी ठिकाने तक पहुँचने के लिए जिंदगी के मराल तय करते हैं चुनाचे ये दुनिया मोतीय फर्मा बरदारों के लिए खेती और इबादत गुजारों के लिए तजारती मंडी है ये शादे वाली आला है कि जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है और वो गालिब और बख्शने वाला है बस जो अच्छे काम करेगा कामयाब होकर सवाब का मुस्क होगा और जो बुरे काम करेगा और कोताही से काम लेगा वह नाकाम होकर आदाब का मुस्तक होगा और अल्लाह ताला ने इंसान जन्नत को सिर्फ अपनी इबादत की गरज से पैदा किया उसने खुद बंदों के अंदर और इनके इर्द गिर्द अपनी इबादतों बंदगी के बेशुार दलाल रख दिए अम्बिया की बेहसत फरमाई आसमानी किताबों को नाजल फरमाया और उन पर अपनी हजत कायम कर दी और उनके लिए हक़ के दलाल वाज कर दिए अल्लाह ने हर बंदे के लिए मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है हर मखलूक की मुद्दत तय कर दी है और अपने इलम के मुताबिक उसकी उम्र लिख दी है बस बंदे को इस दुनिया में जो उम्र दी गई है वही इसकी मेहनत और अमल की मदद है फिर इसके बाद अपने रब से जा मिलेगा इशादे वाली तला है अ इंसान तू तकलीफ़ सह सह कर कुशा कुशा अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा है फिर तू इससे मिलने वाला है और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत मुख्तर है चाहे इंसान को कितनी लंबी उम्र मिले एक दिन तो उसको मौत आनी ही है और हर सांस जो इंसान के सीने में आती जाती है वो उसकी ज़िंदगी के मरल में से एक मरहला है जो गुजर जाने के बाद वापस नहीं होता और उम्र का ज़्यादा होना दर हकीकत उसका कम होना और मौत से करीब होना है मगर अक्सर लोग अपनी तख्लीक की हिमत से गाफिल हैं इसलिए दुनिया की चकाचौंद और फितना सामानियों में गिरफ्तार हो जाते हैं और अपने वजूद के मकसद हकीकी को फरामोश कर बैठते हैं इशादे बाराला है तुम्हें कसरत की हवस ने गाफिल कर रखा है यहाँ तक कि तुम कब्रस्तान जा पहुँचे दिनों रात और सूरज व चांद की गर्दश मुख्त मौसमों और जमानों के आने जाने हालात के बदलने सालों के गुजर जाने और दिनों के पलटने में बहुत सारी इबरते हैं जो बंदे को ये यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की जिंदगी फ़ानी है गैर मुस्तकिर और गुजर जाने वाली है और इसका अंजाम आखिरकार फना और हलाकत है एक अजीम अमर की वजह से अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ज़माने उसके अजसा और मराहल का कसरत से जिक्र किया है और वो ये है कि बंदे को ये याद दिलाए कि जिंदगी बहुत ज्यादा पलटने वाली और बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली है चुनाचे अल्लाह ताला ने रातों दिन सूरजो चांद चाश्त फजर और असर की कसम खाई है और बंदों को इस बात की दावत दी है कि वो चांदो सूरज की गर्दिश की वजह से औकात के गुजरने और हालात के उतार चढ़ाव से इबरत हासिल करे इशा बारी ताला है और चांद की हमने मंजिलें मुकर ताकि वो खजूर की पुरानी टहनी की तरह रह जाता है ना तो सूरज से ये हो सकता है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन पर सबकत ले जा सकती है सब अपने अपने मदार पर तेजी से रवा दवा है हर साल बल्कि हर दिन जो इंसान की उम्र में से कम होता है इसमें इस बात की याद दिहानी है कि हर इब्तदा की इंतहा है हर चीज की उम्र लिखी हुई है हर आगाज को अख्ताम तक पहुंचना है और इमारत हर हर की मुद्दत खत्म होनी है नए साल के इंसान को इस बात की याद दिलाता है कि अब भी मौका मैसर है और और रजा का दरवाजा खुला हुआ है दाना व कामयाब वो है जो अपने अमल और अपनी उम्र के नतज्राज को इसी तरह शुमार करता रहे जिस तरह अपनी तजारत में नफा नुकसान को शुमार करता रहता है क्योंकि उम्र ही हर मखलूक का असल सरमाया है और उसका सामान सेहत तंदुरुस्ती है मगर अक्सर लोग इसमें घाटे का सौदा करते हैं नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नियमतें हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे और घाटे में रहेंगे सेहत और फुर्सत इसके बुखारी ने बयान किया है दुनिया में मुनाफे का हसूल नेक आमाल की अंजाम दही और मौत की मुसलसल तैयारी पर मौकूफ़ है इंसान लंबी उम्र का मुतमनी होता है दुनिया और उसके मालों मत का हरीस हुआ करता है नमतें उसे आखिरी अंजाम और करीब आने वाली मौत से गाफिल कर देती हैं रसूल चल्ल ने फरमाया आदमी का बेटा बूढ़ा हो जाता है लेकिन इसमें दो चीज़ें जवान रहती हैं माल और उम्र की हैरस वमह इसे बुखारी मुस्लिम ने बयान किया है दुनिया की हकीकत और इसके सुरत जवाल से वाकफकार इंसान की सबसे बड़ी दानशमंदी ये है कि वह हर मामले में नफा बख्श और अक्मल तरीन चीज़ को इख्तियार करे चुनाचे वो अपना वक्त उन्हीं चीज़ों में सर्फ करता है जिनके फायद कामिल और नतज खुशकन हों, वो फजीलत वाले अमाल में सबसे आला नेक अमाल में सबसे बुलंद और इबादतों में सबसे अहम को इख्तियार करता है दाना इंसान अपने लिए जन्नत से कम पर राजी हो ही नहीं सकता वो इन इबादतों के लिए हमेशा कोशा रहता है जो इनकी नेकियों में इजाफे और इसके गुनाहों की माफी का सब हों जो इतातों और नेकियों पर दवाम न बर सके उसे चाहिए कि वो गुनाहों और बुराइयों से किनारा कश हो जाए लेकिन याद रहे कि जो एहसान पर एहसान नहीं कर सकता वो कमी की तरफ जाता रहेगा और जो नेकियां करके आगे नहीं बढ़ पाएगा वो गुनाह पर गुनाह करके पीछे रह जाएगा ताकत कमजोरी का आना जिंदगी की एक लाजमी शह है जवानी के बाद बुढ़ापे का आना यकीनी अमर है और तंदरुस्ती के बाद बीमारी का लाइक खोना एक ऐसी राह है जिस पर चले बगैर कोई चारा नहीं ये बारी ताला है अल्लाह वो है जिसने तुम्हें कमजोर सी हालत से पैदा किया फिर इस कमजोरी के बाद तुम्हें कुत बख्शी फिर इसवत के बाद तुम्हें कमजोर और बूढ़ा बना दिया अव्वल से आखिर तक दुनिया की मिसाल उस खेती की सी है जो मूसलाधार बारिश के बाद उगती है जिसकी हरियाली और ख़ूबसूरती से उसके मालिक खुश होते हों फिर वो कुछ ही मद्दत में सूख कर बस बन जाती है इशादे बारी तला है खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा जीनत और आपस में फ़ख्र गुरूर माल औलाद और एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है जैसे बारिश और उसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में इसको तुम देखते हो फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है और जिसे इतनी लंबी उम्र मिल जाए कि उसके चेहरे पर सफेदी जाहिर होने लगे तो गोया ये उसके कुर्ब मौत की वार्निंग है इशाद बारी तला है कि हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी जिसको समझ ना होता वो समझ सकता और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था इमाम बुखारी रहमुल्ल ने फरमाया आयत में नजीर से मुराद बुढ़ापा है और इस उम्मत के लोगों की उम्रें औसतन साठ और सत्तर के दरमियान होंगी और जो साठ साल की उम्र पाले उसका उज़र लंबी मोहलत की वजह से ख़त्म हो गया और नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स का उज़र बाकी नहीं रख रखता जिसको साठ साल की उम्र तक मोहलत देता है इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और औरवत व और शबाब की ज़ायफ़ी और पीरी से पहले और मालदारी को फ़्रो फाका से पहले गनीमत जानने की तरगीब दी है और फुर्सत के लम्हात को काम में लाने का हुक्म दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया पांच चीज़ों से पहले पांच चीज़ों को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले जवानी को बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को फ़कर व फाक़ा से पहले बेनियाजी और खुशहाली को और मसरूफियत से पहले फ़ुर्सत को और मौत से पहले ज़िंदगी को इसे इमाम नसाई ने बयान किया है और इन चीज़ों को गनीमत समझने का मतलब यह है कि बकसद नेक अमल करें और वक़्त की हिफाजत करें फ़जाइल महासन को अपनाएं घटिया कामों से दूर रहें और नेक कामों की तरफ सबकत करें चुनाचे एक बंदे की हालत यह होनी चाहिए कि उसका आज का दिन गुज्तर कल से बेहतर हो और आइंदा कल आज से बेहतर हो और जिसके दोनों दिनों के अमल बराबर हों वो दरअसल धोखे में है और जो इस्तेकामत के बाद उल्टे पाँव लौट जाए वो फितने में मुबतला है चंद रोजा जिंदगी का सबसे बड़ा जिया ये है कि इन औकात को आखिरा सोमवारे बगैर यूं ही जया किया जाए और जो शख्स अपने वक्त की हिफाजत नहीं करता उसके हाथ से इससे फ़ायदा उठाने का मौका निकल जाता है और वक़्त का सबसे बेहतर मशरफ यह है कि उसे दीन और दुनिया के लिए नफा बख्श इलम के हसूल लावत कुरान शाम के जिक्र अजगार हलाल रोज़ी के लिए मेहनत कोशिश और मखलूक के साथ एहसान और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगाया जाए दुनिया में एक तरह के हालात नहीं रहते दिन बदलते रहते हैं और एक इंसान खुशी गमी अमीरी व गरीबी और अमन व खौफ के मुखलिफ हालात से लामोला गुजरता है शादी बारी तला है और यकीन हम तुम्हें खौफ़ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज़ के साथ जरूर आजमाएंगे इसमें अल्लाह त की हमत यह है कि एक बंदा बाहर सूरत अपनी हालत के मुताबिक उसी की अबूदियत में रहे चुनाचे शुक्र के बगैर सबर मुकम्मल नहीं हो सकता और नेमत की कदर वही जानता है जिसे नेमत छिन जाने की तकलीफ का एहसास है अल्लाह तमा हकू वही डरता है जिसकी तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता हैं और जो एहसानात के रुक जाने की शिद्दत को ना झीला हो वह इन की लजत को नहीं जान सकता और जो इस राज को जान जाएगा वो अल्लाह की तकदीर और बंदों के मुतालिक अल्लाह के अफाल को सही नजर से देखेगा चुनाचे जो भी ऊँच नीच तंगी हुई कुशादगी कमियों बेशी और अच्छाई और बुराई हम देखते हैं इसमें अल्लाह की हद दर्जा पन्हा है और हर सूरत में बंदों का किसी खास इबादत में होना जरूरी होता है तकदीर को ही तकदीर से दूर किया जाता है और दायमी शुक्र ही खैर के नजूल का सबब है तकदीर के सामने सर तस्लीम खम करना शरीय पर अमल करने के मुनाफी नहीं है और बंदे की तोहेद की दुरुस्ती और ईमान की सलामती के लिए जरूरी है की तकदीर पर ईमान और शरीय पर अमल दोनों को जमा किया जाए इस दुनिया में बंदा मुख्तलिफ आजमाइशों में घिरा हुआ है चुनाचे शैतान उसे वसवस में डालता है नफसे हमारा बुराई का हुक्म देता है और ख्वाहिशात इसकी राह में रुकावट डालती रहती है लिहाजा तोबा उस को लाजम पकड़े बगैर बंदा के लिए कोई चारा कार नहीं ये जिंदगी भर और हमेशा हमेश का अमल है ये शादी बारी ताला है असलमानों तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तोबा करो ताकि निजात पाओ तोबा अजीम इबादत है जिसे अल्लाह अपने बंदों से और गलती करना के लिए पसंद पसंद से करना में से है बल्कि नवशा तकदीर है अलबत्त इसमें मायूब मलामत अमर यह है कि इंसान तोबा सेराज करे और गुनाहों पर इसरार करे नबी ने फरमाया तमाम बनी आदम खताकार हैं और बेहतरीन खताकार वो हैं जो कसरत से तोबा करते हैं जो किसी बुराई का इतकब कर ले तो उसे चाहिए कि बक़सरत कसरत और ज्यादा से ज्यादा नकियाँ करके इस बुराई को मिटा दे इशादे वारी ताला है यकीन नकियाँ बुराइयों को दूर कर देती हैं और नबी सल्ह वसम नेआज रजील् तसीयत करते हुए फरमाया सच्ची तोबा पर गुनाह के बाद नकी कर लो ये उसे मिटा देगी सच्ची तोबा पर जिंदगी के खात्मा तोफी के इलाही है और बिजनी ही तला ज़रिए नजात भी है क्योंकि जो शख्स तोबा करता है अल्लाह ताला उसकी तोबा को कबूल कर लेता है और जिस शख्स की तोबा अल्लाह कबूल कर ले गुजरे गुनाहों पर उसका मुआजा नहीं करेगा और जो गुनाहों के बाद तोबा को लाजम पकड़ता है अल्लाह ताला उसे कुरब मौत भी तोबा की तोफ़ी अता करता है इसके बरखिलाफ़ जो टाल मटोल करता है मुमकिन है तोबा करने से पहले ही अचानक मौत आ जाए इशाद बाल तला है अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों की तोबा कबूल फ़रमाता है जो बवजह नादानी कोई बुराई कर गुजरें फिर जल्द इससे बाज़ आ जाएं और तोबा करें तो अल्लाह ताला भी इसकी तोबा कबूल करता है अल्लाह इलम वाला हमत वाला है नबी सल्हु वसलम ने इशात फरमाया अल्लाह तंदे की तोबा उस वक़्त तक कबूल करता है जब तक उस पर गगरा गर की कैफियत दारी ना हो बड़ी और काबिल ज़िक्र चीज़ मौत को याद करना और अपने और पुरायों की मौत से नसीहत हासिल करना है खूस आज के ज़माने में जब नई नई बीमारियाँ जाहिर हो रही हैं और यके बाद दीगरे वबा के ज़हूर ने लोगों को खौफ जदा कर रखा है और बहुत से लोग नागहानी मौत का शिकार हो रहे हैं और अचानक दुनिया से कूच कर रहे हैं लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो वहाँ के लिए तैयार रहे और हलाकत से नजात पाने के इसबाब पर हमेशा गौरव फिक्र करता रहे आऊदबिलरम अल्लाह ताली ही दिन और रात को रद्दबदल करता रहता है और आँखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी बड़ी इबरतें हैं अल्लाह मेरे लिए और तुम्हारे लिए कुरान को बाबरकत बनाए और मुझे और आपको इसमें मौजूद आयात और हिकमत वाले जिक्र से फ़ायदा पहुँचाए मैं इसी पर इतफ़ा करता हूँ और अल्लाह ताला से अपने लिए तुम्हारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए तमाम गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ और तुम भी उससे माफ़ी तलब करो बेशक वो माफ़ करने वाला रहम करने वाला है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं उसके एहसान पर और तमाम शुक्र उसी के लिए हैं उसकी तौफीक और नवाजशात पर और मैं उसकी अजमत शान बयान करते हुए गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी आबूद नहीं वो तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लम उसके बंदे और रसूल हैं बहुत ज़्यादा दर्द व सलाम नाजिल हों उन पर उनकी आल और उनके अहब पर मुसलमानों तुम पर अल्लाह का महीना मुहर्रम सा फगन होने वाला है इस महीने की नस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है क्योंकि इसको अल्लाह ताला के अलावा किसी ने हरमत वाला करार नहीं दिया ये उन महीनों में से एक है जिनकी अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हरमत बयान की है जिनमें गुनाह और नाफरमानी के ज़रिए अपने ऊपर करने से मना किया है इशादे बारी ताला है महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लह में बारह की है उसी दिन से जब से आसमान वमीन को पैदा किया है इनमें से चार हरमत वाले हैं यही दुरुस्त दिन है तुम इन महीनों में अपनी जानों पर लम न करो इब्ने अब्बास रजीमान ने फरमाया इन महीनों में गुनाह करना संगीन जुर्म है और इनमें किए गए नेक एक का जो सवाब कई गुना बढ़ जाता है इस महीने में बकसद नफ़ली रोज़े रखना मुस्तहब अमल है नबी ने इरशाद फरमाया रमजान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं और इसके दिनों में सबसे अफजल दिन जिसमें रोज़ा रखने की दुजू होनी चाहिए वो आशूरा का दिन है आप अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया रसूल सल्लम ने शायद फरमाया ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा आलतम और उनकी कौम को निजात दी और फिर और उसकी कौम को गरकाब किया तो अपने रब का शुक्रिया अदा करते हुए ने इस दिन रोजा रखा और बेहतर यह है कि आशूरा के साथ इससे एक दिन पहले का भी रोजा रखा जाए इस तरह नौ और दस दो दिन रोजा रखा जाए क्योंकि नबी वर्षाद फरमाया अगर आइंदा साल तक में जिंदा रहा तो जरूर नौ का रोजा रखूंगा शरीय में नए साल के आगाज की ना कोई खूबी है और न इसकी कोई खास फजीलत या खसूसियत वारद हुई है इसलिए जिसमानी माली इबादत को इस दिन के साथ खास करना दिन में नई ईजाद है और अजीम शरीय से तजावज करने के मुतरफ है फिर ये तुम जान लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने नबी पर सलाम भेजने का हुक्म दिया है चुनाचे उसने अपनी मुहकम किताब में फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरुद भेजते हैं अ ईमान वालो तुम भी उस पर दरुदो सलाम भेजा करो ए सलाम और बरकत नाजल फरमा हमारे नबी मोहम्मद पर और खुलाफा राशिदीन से राजी हो जा जिन्होंने हक़ के साथ फैसला किया और हक़ के साथ इंसाफ किया अबू बकर, उमर, उस्मान अली रजी और तमाम सहाबा से और हमसे भी राजी हो जा अपने जूदो करम से ए अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा शरक व अहल शरक को और रसुआ कर दीन के दुश्मनों को तबाह कर इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालक को अमन वमान का गहवारा बना दे अल्लाह तो हमारे इमाम और वली आहद को अपने पसंदीदा और रजा के कामों की तोफीक दे और उन्हें तकवा और नेकी के काम पर लगा उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा ए तमाम जहानों के रब और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को तेरी किताब पर अमल करने और तेरी शरीयत को नाफज करने की तौफीक दे ए तमाम जहानों के रब हमारे परवरदिगार हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे अल्लाह के बंदो अल्लादल का भलाई का और कराबदारों के साथ हुसने सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों नाशाइँ हरकतों ओति से रोकता है वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो बस अल्लाह ताला को याद रखो वो तुम्हें याद रखेगा और उसकी नियमतों पर उसका शुक्रिया अदा करो वो मजीद से नवाजेगा और अल्लाह का जिक्र तो सबसे बड़ी चीज़ है और जो काम तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है